वेलकम फ्रेंड्स, घूमना फिरना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग इस समय लेह में हैं और लेह से निकल रहे हैं कारगिल की तरफ। दोस्तों, लेह से निकलते हुए हॉल ऑफ फेम है, ये वार मेमोरियल ही है। ये देखिए बाहर से हॉल ऑफ फेम। मैंने अभी पूछा यहाँ मिलिट्री पर्सन से कि फोटोग्राफी अलाउ है कि नहीं, उन्होंने कहा हाँ फोटोग्राफी अलाउ है। आइए चलते हैं आगे और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हॉल ऑफ फेम में देखिए ये टिकट काउंटर है, कैश अलाउ नहीं है, कार्ड से ही होता है। और 125 रुपये म्यूजियम का टिकट है, हमने टिकट ले लिया। अब चलते हैं आगे देखने। ये है हॉल ऑफ फेम, बहुत फेमस है लेह में। आइए चलते हैं हॉल ऑफ फेम के अंदर। हॉल ऑफ फेम के इस सेक्शन में यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में और यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है और लद्दाख की पोशाक के बारे में भी बताया गया है। और वेस्ट लद्दाख ड्रेसेस दिखाई हुई हैं। और अब आ गए हम देखिए इस क्षेत्र में महावीर चक्र, करमवीर चक्र जिन जिन लोगों को मिले हैं उनका यहाँ डिस्प्ले दिया हुआ है। और इधर सामने 1971 इंडो पाक वार, 1965 इंडिया पाक वार, शोवेनियर शॉप। आप देखिए यहाँ पर शॉप भी है, इस तरह की सारी कपड़े वगैरह और जैकेट वगैरह वो सब चीज़ें इसके अंदर हैं। सामने हॉल में चलते हैं, यहाँ पर कारगिल युद्ध के बारे में बताया जा रहा है। कैप्टन बिजन थापर को दिया गया। कैप्टन बिजन थापर ने बहादुरी और वीरता से लड़ते हुए टोलन के बचे हुए इलाके पर भारतीय तिरंगे को लहराया और यहाँ से भारतीय सेना के आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन यहाँ पर बहादुरी और वीरता के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। भारत सरकार द्वारा उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस प्रकार 2 मई 1999 को राज सेक्टर के टोलोलिंग से शुरू हुआ ऑपरेशन 26 जुलाई 1999 को चोरबाटला के इलाके में समाप्त हुआ। लगभग 3 महीने चले इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना को भारतीय सरजमी का एक पत्थर का टुकड़ा भी नसीब नहीं हुआ। भारतीय सेना द्वारा अपने सभी पोस्ट कैप्चर कर लिए गए। लेकिन इस पूरे युद्ध में भारतीय सेना के 527 वीर सपूत वीर गति को प्राप्त होकर के माँ भारती की गोद में समा गए और 1363 वीर जवान घायल हुए। भारतीय सेना प्रतिवर्ष इन वीरों की याद में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाती है और इन वीरों को याद कर इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती है। आप इस वीर भूमि पर आए, हमारे वीरों को याद किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। पीछे की तरफ ये यहाँ पर लाइट एंड साउंड प्रोग्राम भी होता है रात में, वो इस साइड में होता है। और ये पीछे का मैं आपको पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। ये देखिए शौर्य स्थल, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ यहाँ पर इसके वीर सपूतों के लिए। यहाँ पर ये देखिए समाधि स्थल है। ये हॉल ऑफ फेम देखने के बाद अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं आगे के लिए, कारगिल की तरफ जाएंगे। ये देखिए लेह से बाहर निकलने के बाद में, और यह है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख। 20-30 किलोमीटर ही आगे चलते हैं तो पत्थर साहिब गुरुद्वारा आता है। हम लोग पत्थर साहिब गुरुद्वारा आपको दिखा रहे हैं। फ्रेंड्स, चलिए अंदर गुरुद्वारे में चलते हैं। बहुत ही साफ सुथरा, बहुत अच्छा गुरुद्वारा है, बिल्कुल ऑन रोड है पत्थर साहिब गुरुद्वारा। लंगर में सभी लोग प्रसाद चढ़ते हैं। गुरुद्वारे के दर्शन बड़े अच्छे हुए पत्थर साहिब गुरुद्वारे के। और थोड़ी थोड़ी ही चाय लेंगे यहाँ की प्रसाद और फिर आगे चलेंगे। गुरुद्वारे में बड़े अच्छे दर्शन हुए, मन को बड़ी शांति मिली हमें। सामने आप देख रहे हो गुरु नानक तपस्या स्थल है वो ऊपर, और लेफ्ट साइड में गुरुद्वारा है ये देखिए सामने। और यहाँ पर चाय मैं ले रहा हूँ, चाय है और बूंदी वगैरह है, अंदर लंगर भी है। देखिए यहाँ पर गुरुद्वारे में भी लोग पहचान ही लेते हैं कि ना कहीं, देखो चंडीगढ़ से मिली है मैडम, क्या नाम है आपका? सिमरन, चंडीगढ़ से हैं और इन्होंने हमें पहचान लिया। और बड़ी अच्छी जगह है गुरुद्वारा, बहुत शांति है। और लीजिए, आपने ली चाय वगैरह? हाँ जी, हमने लंगर बहुत अच्छा लगा। गुरुद्वारा से ही पत्थर साहिब के बाद में हम लोग आ गए अब मैग्नेटिक हिल में। और ये देखिए ये मैग्नेटिक हिल है, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर लेह से 27 किलोमीटर है मैग्नेटिक हिल। और ये बताया जाता है सामने जो ये पहाड़ है इनका मैग्नेटिक इफेक्ट है यहाँ पर इस क्षेत्र में।
सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ी धीरे धीरे अपने आप भी चलती है, इतनी मैग्नेटिक इफेक्ट इतना ज़्यादा है। दोस्तों हवा बहुत तेज़ है, मैग्नेटिक हिल के ऊपर बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो अब मैग्नेटिक हिल से हमारी चलने की तैयारी है, मैग्नेटिक हिल हवा बहुत तेज़ चल रही है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए इवेंट वगैरह तो होते ही हैं दोस्तों। मैग्नेटिक हिल पे हमने भी देखा यहाँ ट्राई करके, तो गाड़ी देखिए अपने आप थोड़ा थोड़ा चलती है। वैसे इफेक्ट तो है, हमें भी लगा। दोस्तों मैग्नेटिक हिल से 6-7 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद अब हम आ गए हैं उस पॉइंट के ऊपर, ये है संगम पॉइंट। यहाँ पर झंस्कार रिवर और इंडस रिवर का ये संगम होता है, और दोनों का देखिए पानी भी आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, अलग अलग कलर का पानी। ये हरे कलर का पानी है, वो कुछ ब्राउन से कलर का पानी दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही सुंदर, देखिए कितना सुंदर ये संगम है नदियों का। और चारों तरफ का व्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। दोस्तों यहाँ से देखिए ऊपर से ये दृश्य जो है ये इतना शानदार है, इतना प्यारा है, बहुत सुंदर है। और ऊपर से आप ये देखिए कितना बहुत ही प्यारा यहाँ पर है। नीचे देखिए कार की पार्किंग भी होती है, मैं ऊपर से ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और दूर तक का आप नज़ारा देखिए, निम्बू में झंस्कार रिवर और इंडस रिवर का ये संगम पॉइंट वाकई में देखिए बेहद खूबसूरत है। दोस्तों लेह से कारगिल के बीच में रोड तो अच्छी है, और पहाड़ भी देखिए कितने सुंदर हैं, हवाएं लेकिन बहुत तेज चल रही है। फ्रेंड देखिए लेह से हम लोग करीब 100 किलोमीटर आगे आए हैं और कारगिल की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए इधर ये नदी है, और ये यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे ये जगह है, नुरला ब्रिज है ये। और यहाँ हमारी चल रही है आज ब्रेकफास्ट लंच की तैयारी। दोस्तों सैंडविच की तैयारी है हमारी आज, और सैंडविच में देखिए ये आलू उबलने रख दिए हैं हमने पहले, और इधर प्याज काट लिए है, आलू उबलने ये तैयारी हो गई है। देखिए दबादब सीटियाँ लग रही हैं, आलू उबल के आलू छिल रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए हमारे जो है टमाटर भी कट गए हैं, और ये खीरा भी हमने तैयार कर लिया है, आलू उबाल के मैश कर लिए हैं। अलग लेवल का मज़ा आ रहा है ये कुकिंग में। ये देखिए तैयार हो गया है मसाला हमारा, इसमें फिर आलू आ जाएंगे और वो मिक्स हो गए, फिर हम बनाएंगे अपने सैंडविच। ये देखिए लोकेशन है। और फ्रेंड्स देखिए अब ये मसाला हमारा स्टफ तैयार हो गया है, और देखिए ये स्टफिंग चल रही है इस समय, ये ब्रेड के ऊपर ये स्टफिंग हो गई है, और उसके बाद ये इसमें रखा जाएगा मेकर में। देखिए इसमें थोड़ी सॉस आ गई है, ये हो गई है इसमें स्टफिंग। और देखिए अब इसमें आ गया, इसके ऊपर तीसरी लेयर इसके ऊपर आएगी, ये आ गया इसमें चीज, इसमें आ गया स्टफिंग हो गई। और ये देखिए ऑरेगानो और प्याज, और ये इसमें अभी और भी मटेरियल आने वाला है दोस्तों। और दोस्तों देखिए ये हमारा ट्रिपल लेयर वाला एक सैंडविच जो है, चीज आलू मिक्सचर वाला एक तो तैयार हो गया है, दूसरा की तैयारी रख दी है। और ये देखिए इसके पीस बन गए, और ये देखिए सैंडविच। दोस्तों फाइनली आप देखिए हमारे ये सैंडविच रेडी हो गए हैं, बढ़िया लग रहे होंगे। ये देखिए बनाए, इतनी मेहनत से बनाए दोस्तों, बढ़िया क्यों नहीं बनाएंगे। दोस्तों सैंडविच बहुत फर्स्ट क्लास बनाया, बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी लोकेशन में, नेचर के बीच में, अपनी कार किचन में, इतना स्पेशल 4 लेयर वाला सैंडविच, मज़ा। और अब हम चलने की यहाँ से तैयारी में है, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, हमें पहुँचना भी कारगिल है आज। हमारे राइट साइड में जो ये हिल्स आ रही हैं, ये सब उस समय जब कारगिल वार हुआ था उस समय की अलग अलग हिल्स हैं। ये सारा वही क्षेत्र है जो पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, ये वार क्षेत्र रहा है उस समय। दोस्तों सड़क चौड़ी करने के लिए इस तरह से पहाड़ कटे हुए हैं, इतना डर लगता है इनके नीचे कि बस पूछो ना, जान पे आ जाती है। आप देखो जरा क्या हालत है, दरार पड़ी हुई है, दरारें भी हैं, मतलब पता नहीं कैसे, ये आप देख लो दरार दिखाई दे रही होगी आपको, तो बड़ा रिस्की, मतलब पहाड़ को सड़क चौड़ी करने में जो ये कटिंग करी गई है, इससे बड़े कमजोर से पहाड़ हो गए हैं ऐसा लग रहा है। तो पहाड़ों का क्या नमूना है ये दोस्तों। लेह लद्दाख में इस तरह के पहाड़ हैं, ये बेहद खूबसूरत, देखिए किस नमूने के हैं। ये देखिए लामा यूरू जगह पर देखना किस तरह से मकान ऊपर बने हुए, बड़े कच्चे कच्चे से पहाड़ हैं, उनके ऊपर ही उन्होंने बना दिए। और रोड जो है अभी तक हम लेह से जब से चले हैं अभी तक रोड फर्स्ट क्लास है। देखिए सामने आप देखो क्या नजारा है, ऊपर स्नोफॉल हो रही है टॉप के ऊपर। दोस्तों लेह से श्रीनगर वाला जो ये रास्ता है, इसमें रुकने के बहुत सारे ऑप्शन बीच बीच में है। उधर से जब हम आए मनाली साइड से, तो कुछ पैचेज ऐसे थे जहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, लेकिन ये रास्ता इधर वाला जो है, इसमें थोड़े थोड़े दूर पे गांव भी है और होम स्टे बहुत सारे हैं, तो रुकने की इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
दोस्तों देखिए क्या क्या शानदार दृश्य है, किस तरह के पहाड़ हैं, क्या डिजाइनर पहाड़ हैं, आप देखिए दूर दूर तक, और बहुत हाइट पे है, इस समय हाई एल्टीट्यूड पे हैं हम लोग, लेकिन ये आपको दिखाना तो ज़रूरी है भाई। ये देखो और सामने आप देख सकते हो, सामने जो है स्नोफॉल हो रहा है, ऊपर टॉप के ऊपर स्नोफॉल भी चल रहा है। फ्रेंड इस समय हम हैं फतुला टॉप, 13,000 अभी मैं देखता हूँ 13,479 फीट की ऊंचाई पर हैं, और ये भी हायर एल्टीट्यूड में आता है। ये देखिए हाईएस्ट पॉइंट ऑन श्रीनगर लेह रोड का ये हाईएस्ट टॉप है, फतुला टॉप। तो फ्रेंड्स लेह श्रीनगर का टॉप पॉइंट, टॉप हाईएस्ट पॉइंट से अब हम लोग निकल रहे हैं, यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक रहे हैं, और नज़ारे भी आप देख सकते हो यहाँ से, कितने शानदार नज़ारे हैं दूर दूर तक का, क्या शानदार दृश्य है। फ्रेंड्स देखिए इस समय हम हैं नामी किला पास, ये भी एक टॉप है, और यहाँ से करीब 55 किलोमीटर कारगिल है। ये देखिए फ्रेंड्स हम लोग अब करीब कारगिल से 30-35 किलोमीटर दूर थे, तो कारगिल में वहाँ जाके कैंपिंग करना चाहते थे, लेकिन यहाँ ऊपर से नदी के पास से हमने देखे यहाँ पर टेंट, तो हमें बड़ा अच्छा दिखाई दिया, तो हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ हमने बातचीत करी, बातचीत के तो एक नॉमिनल चार्ज है 300-400 रुपये में बातचीत हुई, तो हम लोग यहाँ आज यहाँ कैंपिंग करेंगे रात में, फिर कल सवेरे कारगिल की तरफ चलेंगे। ये यहाँ पर एक कैंपिंग है, यहाँ पर 30-40 किलोमीटर पहले कारगिल से। दोस्तों यहाँ ठंड बहुत है, लेकिन अभी एकदम से टोपा पहनना पड़ा और जुराब वगैरह पहननी पड़ेंगी। चाय हमने अपने लिए बनाई ली है, सबसे पहले हम लोग देख रहे हो कितनी ठंड लग रही है, सबसे पहले हम यहाँ पर पियेंगे चाय अपने हाथ से बना के। बहुत अच्छी सेफ, एक सेफ जगह हमें मिली है, लॉकेबल जगह है, और फैसिलिटी भी सब कुछ है, यदि हमारी कार कैंपिंग का नहीं होता तो भी यहाँ पर टेंट का, खाने का सारी फैसिलिटी है, बट हमारे पास तो आपको पता ही है कि इंतज़ाम होते हैं, और बातचीत प्यार से बातचीत करते हैं तो लोग उस प्यार की बातचीत में समस्या का हल निकाल ही देते हैं। हमारे कप और हमारी चाय। दोस्तों देखिए शाम भी हो गई है, आज सफ़र भी काफ़ी रहा हमारा, लेह से हम लोग आए हैं 30-40 किलोमीटर कारगिल से पहले, हमने लाइट दलिया बनाया है अपना खाने में, और अब सोने की भी तैयारी है। दोस्तों आप लोग पूछते थे कि हम लोग सोते कैसे हैं, कहां पर सोते हैं, सेफ्टी कैसे होती है, तो देखिए ये हमारा जो है, हमने अभी खाना बनाया है, अपना बेड सेटअप कर दिया है। देखिए हमारा बेड किस तरीके से हम सोते हैं, ये देखिए इसमें लेट के भी दिखाते हैं। ये देखिए बहुत आराम से, यहाँ ठंड बहुत है, रजाई है। दोस्तों अब नींद भी आ रही है, और इस वीडियो को आज अब हम यहीं समाप्त करते हैं, आप बने रहिएगा अगले वीडियो में, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।